हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके सर्कमफ्रेंस पे आने वाले हर एक पॉइंट उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या है? एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके सर्कमफ्रेंस पे आने वाले हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ठीक है, ये बाकी किसी फिगर में नहीं होता। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये किसी में नहीं होता, बस एक सर्कल में ही होता है कि सर्कमफ्रेंस पे आने वाले हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। आप इसको सर्कमफ्रेंस बोल सकते हो, या फिर बाकी फिगर्स के लिए हम इसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो सर्कल के लिए आप पेरीमीटर भी यूज कर सकते हो, सर्कल के लिए आप सर्कमफ्रेंस भी यूज कर सकते हो। ओके, तो फिर से एक बार देखिए सर्कल क्या है। तो सर्कल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके जिसके सर्कमफ्रेंस पे आने वाला हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो ये देखिए, जैसे ये डिस्टेंस क्या है? आर। यहां से ये पकड़ लीजिए, दिस इज आर, दिस इज आर। ओके, तो इसीलिए ये जो सर्कल होता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल फिगर होता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल फिगर। और इसीलिए जब भी कभी बात सर्कल की आती है, उसके सर्कमफ्रेंस की बात आएगी या उसके एरिया की बात आएगी, सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, दैट इज रेडियस। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, दैट इज रेडियस। रेडियस के बेसिस पे आप सर्कमफ्रेंस निकालते हो, रेडियस के बेसिस पे आप सर्कल का एरिया निकालते हो, और आगे चल करके आप एक और चीज पढ़ोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, वो भी अगेन रेडियस के बेसिस पे ही निकल के आता है। ऑलराइट, जैसे बाकी फिगर में क्या होता है? लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, अगर 3D फिगर होती है तो उसमें हाइट भी आ जाती है, राइट। लेकिन सर्कल के मामले में अगर आप देखोगे तो एक ही चीज मायने रखती है, दैट इज रेडियस। ओके, तो एक बार फिर से, सर्कल क्या है? सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जिसके सर्कमफ्रेंस पे आने वाले हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो कभी अगर किसी ने डेफिनेशन पूछ ली सर्कल की, तो यही डेफिनेशन आपको बतानी है कि सर्कमफ्रेंस पे आने वाले हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज रेडियस। ओके, दिस इज नोन एज रेडियस। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, सीधा थ्योरम पे आते हैं। सो पहली थ्योरम है यहां पर सर्कल को लेकर के, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके जी, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि ये भाई ये टेंजेंट एंड ये सब क्या है, राइट? तो जरा इसको देखिए, समझिए इस चीज को। मैंने बनाया एक सर्कल, सी ये है मेरे पास एक सर्कल। ओके, अब इस सर्कल में मैं क्या करता हूं, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी। सपोज दिस इज अ लाइन, ये एक लाइन है, तो एक रैंडम लाइन है, इसका इस सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। मैंने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले लिया, इतने पे ले लिया, ठीक है, इतने पे ले लिया। तो अब जो ये लाइन है इसे कहा जाएगा सेकंड, इस लाइन को कहा जाएगा सेकंड। ये लाइन क्या है यहां पर? पी क्यू, दिस लाइन इज नोन एज सेकंड। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल को मैंने ऐसा कट कर दिया, तो ये क्या बन गया? सेकंड। क्लियर। अब एक और चीज देखिए, मान लीजिए कि मैंने इस बार सेम एक और लाइन ली, ओके, एंड मैंने इस लाइन को उठा करके यहां पे टच कर दिया, ठीक है, ये यहां पे टच कर दिया। तो देखो ये इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए हम इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट, दिस इज नोन एज टेंजेंट। ऑलराइट, तो टेंजेंट एंड सेकंड में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो सेकंड होता है वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो सेकंड सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर इसी सेकंड को मैं नीचे ले लूं ऐसे, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सिर्फ एक ही रखूं, तो ये कहलाएगा टेंजेंट, ये कहलाएगा टेंजेंट। तो सेकंड में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू होते हैं, सेकंड में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू होते हैं सर्कल के साथ, टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक ही होता है। तो अगर मैं सेकंड को नीचे ले लूं यहां पर एक ही पॉइंट पे, तो टेंजेंट बन जाएगा, और थोड़ा ऊपर ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? सेकंड। क्लियर, ये बात समझ में आई। एक और चीज समझिए जरा, ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है यहां से लेकर के यहां तक, दिस लाइन, सर्कल के अंदर बाहर नहीं, ये वाली जो लाइन है ये येलो वाली, इसे हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉर्ड, ये आपको याद रखना है। ये बाहर बाहर का लाइन मिटा दो, सर्कल के बाहर का लाइन मिटा दो, यहां से सर्कल का बाहर का लाइन मिटा दो, तो ये जो पोर्शन बचा इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड, दिस इज नोन एज कॉर्ड। क्लियर। अब एक और चीज समझिए, अगर मैं इस लाइन को और ऊपर ले लूं सर्कल के सेंटर में, लेट से कि ये सर्कल का सेंटर है, लेट से
कि ये वाला जो है दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं इस लाइन को और ऊपर ले लेता हूं तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब यही लाइन जो कि पहले कॉर्ड कहलाती थी, अब ये क्या कहलाएगी? डायामीटर, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगी? डायामीटर, समझ गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला जा सकता है ये, क्योंकि आप इस सेकंड को जितना नीचे 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 लेंगे, या कहूंगा तो सेंटर से जितना दूर 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 जाएंगे आप, तो कॉर्ड की लेंथ छोटी 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 होती चली जाएगी, और जितना आप सेंटर के पास लेके जाएंगे तो ये लेंथ उतनी लंबी हो जाएगी। अगर आप वापस और ऊपर जाएंगे तो ये जो कॉर्ड है वो धीरे धीरे करके और छोटी होती चली जाएगी। देखो छोटी हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई। तो जितना आप सेंटर के क्लोज रहेंगे, जितना आप सेंटर के क्लोज रहेंगे, ये कॉर्ड उतनी ही लंबी लंबी होती चली जाएगी। सेंटर से दूर जाएंगे तो ये जो कॉर्ड है ये छोटी 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 होती चली जाएगी। ऑलराइट, इसलिए ये बोला जा सकता है डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, समझ गए। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ओके। उसके बाद सेकंड क्या होता है? सेकंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो। तो सेकंड में इंटरसेक्शन के टू पॉइंट होते हैं, जबकि टेंजेंट में इंटरसेक्शन का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। ऑलराइट, क्लियर। तो तीन चार वर्ड है जो ध्यान में रखने हैं, एक डायमीटर हो गया, एक कॉर्ड हो गया, एक सेकंड हो गया, एक टेंजेंट हो गया। ऑलराइट, एक दो चीजें और हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी, जो जिसको हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर फिर भी एक छोटा छोटा बता देता हूं, ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर है। तो ये जो आप एक स्लाइस काट के निकालते हो, जैसा आप पिज्जा देखा होगा आप लोगों ने, पिज्जा में ऐसे स्लाइस बनते हैं, तो ये जो स्लाइस होती है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। आगे दूसरे वाले चैप्टर में आएगा ये चीज, ठीक है। दिस इज नोन एज सेक्टर, ठीक है। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो थ्योरम हम पढ़ रहे थे, थ्योरम में क्या बोलता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। जरा समझिए इसको, ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने एक सर्कल लिया, मैंने एक सर्कल लिया, इस सर्कल में मैंने एक टेंजेंट बनाया, दिस इज द टेंजेंट, ठीक है। एंड यहां पे एक रेडियस है, ये देखिए, ये यहां पर एक रेडियस है, दिस इज द रेडियस। ऑलराइट, तो ये कह रहा है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये यहां पर कहना चाह रहा है। ओके, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये पहली थ्योरम है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर है? रेडियस के। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या फिर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, दोनों का मतलब एक ही है। तो रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा। क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है? तो समझिए इसकी वजह क्या है। तो एक चीज देखो, यहां पर होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक लाइन है, रेंडम लाइन और एक पॉइंट है, एक रेंडम लाइन है और एक पॉइंट है, तो पॉइंट का लाइन के साथ जो कॉन्टैक्ट बन सकता है वो ऐसा भी बन सकता है, वो ऐसा भी बन सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये जो पॉइंट है P, पॉइंट P का इस लाइन के साथ मैं मल्टीपल वेज में जोड़ सकता हूं। जैसे मान लो पॉइंट P को इस हाईवे से कनेक्ट करना हो, पॉइंट P को इस हाईवे से कनेक्ट करना हो, एक रास्ता मेरे पास ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, राइट। तो अगर मैं इन सभी रास्ते में सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बोलूं, सबसे शॉर्टेस्ट, तो वो रास्ता कौन सा है? ये वाला। और ये जो शॉर्टेस्ट होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर आप ऊपर की तरफ जाओ, यहां पे अगर आप ऊपर की तरफ जाओ, इधर को ये देखो, लंबा हो गया और लंबा हो गया और लंबा हो गया, दिख रहा है क्या? तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, ये शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। जो शॉर्टेस्ट रास्ता हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता ये शॉर्टेस्ट रास्ता परपेंडिकुलर हो गया? आप यहां पर एक चीज कंसीडर करो, क्या ये एक ट्रायंगल है? ये देखो, क्या ये एक ट्रायंगल है? कोई सा भी उठा लो, क्या ये एक ट्रायंगल है? ट्रायंगल में ये साइड हमेशा हाइपोटेनस है, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, इसके नीचे वाला अगर ये ट्रायंगल ले लो तो इसमें ये हाइपोटेनस है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो इसमें ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस, दिख रहा है क्या? हाइपोटेनस तो हमेशा लॉन्गेस्ट ही रहता है ना, राइट, हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट। तो ये सारे के सारे हाइपोटेनस है,
ये देख रहे हो क्या, ये सारे के सारे हाइपोटेन्यूज है, सिर्फ एक ये वाला केस है, सिर्फ एक ये वाला केस है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, बाकी में तो ये सारे के सारे हाइपोटेन्यूज है। एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द साइड, एनी ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज हमेशा किसी भी साइड से बड़ा ही होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसलिए जब मैं किसी भी इन ट्राइंगल को कंसिडर करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी, ये सारी की सारी हाइपोटेन्यूज है, सिर्फ एक इस पॉसिबिलिटी को छोड़ करके, सिर्फ एक ये वाली पॉसिबिलिटी को छोड़ करके, इसलिए हाइपोटेन्यूज हमेशा लंबा होगा। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन के साथ जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई? किसी भी लाइन का, किसी भी पॉइंट के साथ जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर। वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर, मतलब उसका ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। अब इस केस में देखिए, ये रेडियस है एंड ये टेंजेंट है, तो एक ऑप्शन है कि मैं देखो रेडियस कहां से गुजरता है, सेंटर से, तो एक रास्ता तो ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया, तीसरा रास्ता ये हो गया, चौथा रास्ता ये हो गया, राइट। अब इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? ऑब्वियसली ये वाला है, ऑब्वियसली ये वाला है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ये आर है, इस वाली की लेंथ क्या है? जैसे मान लो इसको ओ नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, ए बी सी, ओ ए की लेंथ क्या है? तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ क्या है? आर। आर में इतना पोर्शन एक्स्ट्रा एडअप हो रहा है, देख रहे हो क्या, आर में इतना पोर्शन एक्स्ट्रा एडअप हो रहा है। तो लेट्स से इसकी वैल्यू मैं एक्स ले लेता हूं, तो ओ ए की लेंथ क्या है? आर प्लस एक्स, ठीक है। ओ बी की वैल्यू क्या है? तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है? आर है। यहां से यहां तक की वैल्यू आर है, दिस इज आर, राइट। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसकी लेंथ क्या है? लेट्स से वाई है, सो ओ बी की लेंथ कितनी है? आर प्लस वाई। सिमिलरली ओ सी की लेंथ यहां से यहां तक कितना है? आर है। और फिर यहां से यहां तक कितना है? लेट्स से जेड है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? ओ बी के बाद ओ सी की लेंथ कितनी है? आर प्लस जेड। इसका नाम मैं पी दे देता हूं, ठीक है। और ओ पी की जो लेंथ है वो कितनी है? ओ पी की लेंथ, ओ पी की लेंथ आर है। तो ये आर है, यहां से ये आर है, ये आर, ये आर। इसमें देखो OA में देखो R के साथ X जुड़ रहा है, OB में देखो R के साथ Y जुड़ रहा है, OC में देखो R के साथ Z जुड़ रहा है। तो इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? यही तो है OP वाला, OP। और जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसलिए हमेशा याद रखना, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रीजन क्या है? रीजन यही है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की तरफ जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है, और इस केस में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है, रेडियस ही है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब रेडियस टेंजेंट के साथ कैसा रहा होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर एवरीवन? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यही है थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या बोलता है? कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये थ्योरम 10.1 है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद थ्योरम 10.2 पे चलते हैं। थ्योरम 10.2 बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और बाहर से एक पॉइंट है और आपने टेंजेंट बनाया, ये एक है और ये एक है, ये दो टेंजेंट होगा। देखो याद रखना, किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकते हैं। ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। तो ये कहना चाह रहा है इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। इसका मैं अगर नाम ए दे देता हूं, इसका बी दे देता हूं, तो ये कहना चाह रहा है कि एपी विल बी इक्वल टू बीपी, एपी विल बी इक्वल टू बीपी। ये कहना चाह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये सर्कल है, ये पॉइंट पी है, यहां से किसी ने ये टेंजेंट बनाया, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो मतलब एपी की वैल्यू बीपी के बराबर होगी। अब ये कैसा होगा, तो जरा इसको समझते हैं। तो देखो ये एक सर्कल है, ये यहां पर पॉइंट पी है, दिस इज द सर्कल, और ये यहां पर पॉइंट पी है, दिस इज द पॉइंट पी। तो एक ये है और एक ये है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको मैं नाम दे देता हूं बी, और इसको नाम दे देता हूं मैं ओ, ठीक है। टी से एक टेंजेंट है पी ए, एक टेंजेंट है पी बी। तो ये कहना चाह रहा है कि ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी। तो चलो ये हमको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो यहां पर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ए ओ या ओ ए पी, चलो इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ओ ए पी, ठीक है। एंड ट्राइंगल नीचे वाला ओ बी पी,
ओ बी पी, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ओ ए पी ओ बी पी। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या ये एंगल 90 डिग्री है, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, बोल सकता हूं मैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, कितना है, कितना है ये 90 डिग्री। रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, पढ़ा था अभी ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। दूसरा ओ ए इक्वल टू ओ बी, देखो ये ओ ए एंड ए बी सेम है, ये आर है तो ये भी आर है, क्योंकि दोनों तो रेडियस है, ये भी आर है ये भी आर है, तो दोनों रेडियस है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, ठीक है, इक्वल टू आर, तो दूसरी चीज हो गई, तो मतलब कि ये साइड इसके बराबर हो गई। तीसरी चीज क्या हो गई इन दोनों ट्राइंगल्स में, ओपी इक्वल टू ओपी, ओपी इक्वल टू ओपी, क्या रीजन है, कॉमन, क्या रीजन है, कॉमन। देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूं, ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी, बोला जा सकता है ओ ए पी ओ बी पी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अच्छा कौन से थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट है ये, बाय कौन से थ्योरम, इसको बोला जाता है आर एच एस थ्योरम, ठीक है, बाय आर एच एस थ्योरम, आर एच एस थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब, इसका मतलब एपी विल बी इक्वल टू बीपी, ठीक है, एपी बीपी के बराबर है, क्या लिखेंगे, सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। प्रूफ क्या करना था यहां पर, याद रखना इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि एपी इक्वल टू बीपी, ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है, इसमें ये आपको प्रूफ करना था एपी इक्वल टू बीपी। तो ये दो ट्राइंगल है, दोनों में रेडियस रेडियस है, दोनों का एंगल 90 डिग्री है और ये कॉमन है, तो ऐसे थ्योरम को क्या बोलते हैं हम लोग, आरएचएस थ्योरम। और याद रखना आरएचएस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, आरएचएस थ्योरम है क्या, पहली बात है कि आरएचएस थ्योरम तभी लग सकता है जब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है उनका हाइपोटेन्यूस अगर सेम है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है उनका हाइपोटेन्यूस अगर सेम है, और बची हुई कोई भी दो साइड में से एक साइड, बची हुई दो साइड, देखो अब ये है या तो ये है, इन दोनों में कोई भी अगर इसके साथ मैच करता है तो यहां पर लगेगा आर एच एस थ्योरम, ठीक है, आर एच एस थ्योरम। आर का मतलब यहां पर क्या हो गया, आर का मतलब हो गया राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोला ये थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, आरएचएस की थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, तो आर का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, एच का मतलब यहां पर क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, क्या हाइपोटेन्यूस सेम है, ओके, और एस का मतलब यहां पर क्या हो गया, कोई भी एक साइड, आइदर वो परपेंडिकुलर साइड हो सकती है, आइदर वो बेस वाली साइड हो सकती है, कोई भी, या तो परपेंडिकुलर या तो बेस, कोई भी एक, दोनों की जरूरत नहीं है, कोई भी एक अगर इक्वल है तो ऐसे में आप आरएचएस थ्योरम उसमें लगा सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर ऐसा हुआ हाइपोटेन्यूस सेम नहीं है, लेट्स से सर कि ये जो हाइपोटेन्यूस है वो सेम नहीं है, बट सर इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर से मैच करता है, इसका बेस इसके बेस से मैच करता है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो क्या यहाँ पर आरएचएस थ्योरम लगेगी, तो भाई यहाँ पर आरएचएस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो ऐसे में देखो ये साइड क्या है, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो ऐसे में जो थ्योरम लग रही है वो कौन सी थ्योरम लग रही है, एस ए एस, तो तब आप इसको आरएचएस नहीं बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, एस ए एस बोलोगे, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है ये कहलाएगी एस ए एस, एस ए एस, अगर हाइपोटेन्यूस की जगह, हाइपोटेन्यूस की जगह बाकी दो साइड इक्वल है तो ये जो थ्योरम होगी ये क्या होगी, एस ए एस थ्योरम होगी, ठीक है, दिस थ्योरम विल बी एस ए एस थ्योरम। तो आरएचएस और एस ए एस क्या सेम है, क्या RHS और SAS सेम है, सेम नहीं है ये, जब राइट एंगल के लिए एप्लीकेबल होता है और हाइपोटेन्यूस सेम होता है तो हम RHS बोलते हैं, और अगर हाइपोटेन्यूस का जिक्र ही नहीं है बाकी दो साइड इक्वल है तभी इसी थ्योरम को आप SAS बोलोगे। SAS किसी भी रैंडम ट्राइंगल में आप लगा सकते हो, लेकिन RHS इज स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समझ में आया। खैर ये सारी कहानी तो ये नाइन्थ वाली थी, इस पे आते हैं, तो ये समझ में आया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये टेंजेंट बन रहा है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये टेंजेंट बन रहा है इनकी लेंथ सेम होती है, ठीक है बच्चे लोग।
जल्दी से इसे लिख लीजिए, ये थ्योरम है, प्रूफ करने को आ जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लिखना अगर आपको आता है तो फटाक से हो जाएगा। 90 डिग्री 90 डिग्री, रेडियस रेडियस कॉमन, बस। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। पॉज करके इसको जल्दी से लिख लीजिए, पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। ओके नाउ एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, किसी भी सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो ये देखो, ये एक सर्कल है, कितने टेंजेंट हो सकते हैं। एक टेंजेंट मैंने यहाँ से बनाया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ से बनाया, एक मैंने यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया, कितने तो भी टेंजेंट बन सकते हैं, बनाते बैठेगा इंसान तो बहुत बन जाएंगे, ठीक है। तो कितने, इन्फानाइट, कितने, इन्फानाइट, इन्फानाइट, बहुत सारे, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट, वन पॉइंट। टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकेंड, क्या कहलाता है वो, सेकेंड, अभी अभी आपको बताया था, सेकेंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, ये एक सर्कल है, मान लीजिए कोई बोलता है मैंने ये एक टेंजेंट बनाया, इसके पैरेलल दूसरा टेंजेंट बना के दिखाओ, तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहां से हमने ये बनाया, क्या ये दोनों पैरेलल है, यस ये दोनों पैरेलल है। लेकिन अगर किसी ने बोला तीसरा पैरेलल बनाओ, तो तीसरा पैरेलल हम ऐसा तो नहीं बना सकते ना, सॉरी ये बाहर आ गया, तीसरा पैरेलल हम ऐसा तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल थोड़ी हुए, ठीक है। तो इसके पैरेलल यही हो सकता है। अच्छा किसी ने बोला ये लो, ये देखो पैरेलल है, पर ये अब टेंजेंट थोड़ी रहा, ये तो सेकंड बन चुका है, ठीक है। तो ये है नहीं है ऑप्शन। तो इसका मतलब किसी भी सर्कल के, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो मतलब कि एक के बदले एक ही बन सकता है, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट, इसे मिटा देते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, तो ये एक कॉमन पॉइंट है, ये टेंजेंट का भी पॉइंट है एंड ये सर्कल का भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एस, दिस कॉल्ड एस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल का एंड टेंजेंट का जो ये कॉमन पॉइंट होता है, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन थे ये, एक्सरसाइज 10.1। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 द लेंथ पी क्यू इज, ठीक है जी। चलो इसमें पहले तो एक सर्कल हो गया, दिस इज अ सर्कल, ओके। तो अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ये देखिए ये एक टेंजेंट है, ओहो चलो ये एक टेंजेंट है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ये है यहां पर पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो जो इसका रेडियस होगा, दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, यहां से जो ये रेडियस बन रहा है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओके। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये इसका सेंटर है ओ, एट अ पॉइंट क्यू, एट अ पॉइंट क्यू, तो ये इस लाइन को इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट है क्यू, सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, सो दैट ओ क्यू की जो वैल्यू है ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
लेंथ पी क्यू एस, पी क्यू की लेंथ बताइए, पी क्यू की लेंथ क्या होगी? तो भाई एक चीज़ पता है ना कि ये 90 डिग्री है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 12 है, तो तीसरी साइड क्या होगी? वैसे तो आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा था, याद है आपको 5, 12, 13। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 5 है दूसरी साइड 12 है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो कितना होगा? वो 13 निकल के आएगा, राइट? क्या यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग सकता है? नहीं लग सकता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो 13 होता है वो किसको होना चाहिए? वो हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, इसका हाइपोटेन्यूस 12 है, तो अगर आपने इसको 13 बना दिया तो ये तो गलत हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कम है, मतलब हाइपोटेन्यूस 12 है और साइड 13 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहां नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से काम आसान हो जाता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि लग सकता है कि नहीं लग सकता है। अगर ये, अगर 12 ये होता ना, अगर 12 ये होता तो ये कंफर्म 13 हो जाता, क्योंकि 13 इज द लॉन्गेस्ट साइड, और वो किसको दे दिया आपने? हाइपोटेन्यूस को, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर यहाँ तो गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा यहाँ पर? ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है? तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, कितना? 12 स्क्वायर, ठीक है? तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक? तो पी क्यू इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं 12 का स्क्वायर 144 लिखूं, माइनस 5 का स्क्वायर 25 लिखूं, फिर सॉल्व करके उसका रूट निकालूं, एक ही ऑप्शन है। जब छोटे छोटे नंबर हैं तो ईजी होता ही है, लेकिन अगर ये नंबर बड़े बड़े होते, मान लो 12 की जगह होता 546, 5 की जगह होता 249, ऐसा, तब क्या करते? तब अगर करते तो बहुत टाइम लग जाता, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 कितना होता है? 7 होता है, ठीक है? इंटू ए प्लस बी मतलब 12 प्लस 5, तो कितना हो गया? 7 इंटू 17। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 7 इंटू 17। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 7 इंटू 17। तो 7 इंटू 17 को साइड में सॉल्व कर लो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 119, तो रूट 119, ठीक है? तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 119। सो द राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है? सॉल्यूशन 3, इजी क्वेश्चन है ये। चलो बढ़ते हैं आगे। ड्रॉ अ सर्कल, इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ओके? ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू अ सर्कल। चलो लिख लिया होगा, इसे मिटा देता हूं मैं। ऑल राइट, सॉल्यूशन 4। ड्रॉ अ सर्कल, तो पहले एक सर्कल बनाना है, तो चलो बनाएंगे एक सर्कल। देखो बच्चों, आइडियली आपको करना क्या है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है और फिर रिज्यूम करना है, ओके? तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर रिज्यूम करके आप देख लेना। ड्रॉ अ सर्कल, ओके, एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक सर्कल बनाना है और दो लाइनें बनानी है, ठीक है? एक तीसरी लाइन के पैरेलल है, टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड, ओके? तो मान लेते हैं कि एक लाइन है ये, एक रैंडम लाइन है, तो क्या बोल रखा है? ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो ये हमारे पास ये गिवन लाइन है, दिस इज द गिवन लाइन। अब ये ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, कैसे भी हो सकती थी, ठीक है, आपकी मर्जी है ये। तो ये एक लाइन दिया हुआ है और बोल रखा है कि इसके पैरेलल आपको दो लाइनें बनानी है, जिसमें एक होना चाहिए टेंजेंट और दूसरा होना चाहिए सेकेंड, एक होना चाहिए टेंजेंट और दूसरा होना चाहिए सेकेंड, इसी के पैरेलल होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? इस लाइन के पैरेलल अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो या तो वो टेंजेंट ये हो सकता है या तो वो टेंजेंट ये हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई सा भी, जो आपकी मर्जी है वो रख लो, मैंने ऊपर वाली रख ली,
मैं चाहता हूँ नीचे वाले भी रख सकता था, मैंने ऊपर वाले रख लिए। तो ये हो गया, व्हाट इज दिस, इज द टेंजेंट, ये है टेंजेंट, ठीक है। और दूसरी क्या होनी चाहिए, सेकंड। अब सेकंड क्या होता है, ये लो दिस इज द सेकंड, ठीक है, ये लो, ये जो है ये बन गया सेकंड। आप सेकंड को थोड़ा नीचे भी बना सकते थे, और नीचे और नीचे कैसे भी कर सकते थे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेकंड, ये है सेकंड, ठीक है। तो ये गिवन लाइन है, ये ऊपर वाली, इसके पैरेलल, ये देखो ये पैरेलल है ना, इस गिवन लाइन के पैरेलल है, पर ये टेंजेंट है, और इसी गिवन लाइन के पैरेलल ये है, और ये क्या है, सेकंड। सो ये इसका आंसर है। ये तो सामने वाला कितने भी केस बना सकता है, हो सकता है कोई ऐसा बना दे कि सर ये गिवन लाइन है तो मैं इसको टेंजेंट बना दूं, बिल्कुल बना दो। सर ये सेकंड बना दूं, बना दो। कोई बोले मैं यहां बना दूं, वहां बना दो, फिर इसके पैरेलल ऐसा बना दो, बाहर कैसे भी हो सकता है वो। क्लियर, चलो दिस वाज योर एक्सरसाइज 10.1।